Friends, good morning. Most welcome to the Rita Das classes. I request all the new viewers to subscribe my channel. Today, I am going to teach you the first lesson, the Cold War era of class 12th political science. And in this chapter, we have to read what is the Cold War, what is the reason behind Cold War, what is the result of the Cold War, non-alignment movement and different organizations. And first of all, we have to know about the Cold War. The Cold War, the Hindi is called, that is the Shit Yudh. सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग शीत युद्ध के बारे में पता करेंगे. शीत युद्ध क्या होती है? शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो देश, दो व्यक्ति, दो समूह या दो राष्ट्र के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो. इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता है. ऐसा अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच में हुआ था. शीत युद्ध 1945 से लेकर 1990 तक चला. और कहते हैं शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटना का अध्ययन का समकालीन राजनीति का विषय माना जाता है. और ये भी कहा जाता है कि शीत युद्ध के बारे में कहा गया है कि शीत युद्ध शब्द सोवियत संघ और अमेरिका का शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विचार होती है और अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है. इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा और जासूसी मनोवैज्ञानिक युद्ध के और कटुतापूर्ण संबंध देखे गए हैं. तो कहते हैं शीत युद्ध के बारे में अलग अलग जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपने विचार रखे हैं. सबसे पहले डॉक्टर एस एन राजन के शब्दों में शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है. जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है. अब है शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी. तो द्वितीय विश्व युद्ध हमारे यहाँ 1939 से 45 तक हुई थी. शीत युद्ध का अंत, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण है सोवियत संघ का विघटन भी माना जाता है. शीत युद्ध के कौन कौन से कारण थे? प्रमुख कारण पाँच हैं. तो सबसे पहला कारण है अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्ति बनने का होड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाना ही शीत युद्ध का कारण बना. दूसरा है परमाणु बम से होने वाले विध्वंस का मार झेलना किसी भी राष्ट्र का वश की बात नहीं थी. और तीसरा है दोनों महाशक्ति परमाणु हथियारों से संपन्न थी. उनके पास इतनी क्षमता कि परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुँचा सकते हैं. चौथा था एक दूसरे के उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध का मार नहीं देखना चाहता था. और पांचवा था दोनों राष्ट्र के बीच गहन प्रतिद्वंदिता थी. शीत युद्ध के कारण के बाद हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध का विचारधारा. कहा गया है कि शीत युद्ध एक विचारधारा का भी कारण बना कि दोनों देश अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो विचारधारा थी दोनों अलग अलग थी. अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है. तो हम लोग को पूंजीवादी क्या होती है, समाजवाद क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है और निजी व्यवस्था का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं पूंजीवाद. और समाजवाद, सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है, उसको कहते हैं समाजवाद. अब प्रथम विश्व युद्ध का समय 1914 से 1918 तक लिया गया है और द्वितीय विश्व युद्ध का समय था 1939 से 45 तक हुआ था. द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरे विश्व दो गुट खड़ी हुई थी. एक कहते हैं कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र. द्वितीय विश्व युद्ध में जो राष्ट्र, दो देश जो
जो विजय प्राप्त किए थे उनको कहा जाता है मित्र राष्ट्र, जिसमें सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को माना गया है। और धुरी राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में जो जिसको जिस देश को हार का सामना करना पड़ा था उसको धुरी राष्ट्र कहते हैं। इसमें देश हैं जर्मनी, जापान, इटली का नाम आता है। द्वितीय विश्व का अंत, द्वितीय विश्व का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जब जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े, इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। बमों के कुट नाम है लिटिल बॉय, फैट मैन। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अमेरिका की आलोचना, अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिरने का आवश्यकता नहीं थी। अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा कि अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने था। और क्यूबा मिसाइल संकट, कहते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है। यह नज़दीक तो अमेरिका का है लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता भी देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया और 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनातों से पहली बार अमेरिका के नज़दीक निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य मुहभाग के लगभग दो गुने ठिकानों के शहरों पर हमला कर सकता था। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों की आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट का शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है क्योंकि पहली बार दो बेड़ों महाशक्तियां, दो बड़ी महाशक्तियां आमने सामने थी। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, कहते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गई पूरे विश्व में दो ध्रुवीय, दो महाशक्ति का जन्म हुआ। और पर अब और दोनों महाशक्ति अपने प्रभाव को दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी और दोनों लगे हुए थे। दुनिया के दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप में बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़े रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट देशों का प्रभाव से बच सके। पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश अमेरिका के साथ शामिल हो गए और उन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश हैं ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम। और उसके बाद है पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप में अधिकांश देश जो है सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए और इस देश में है पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गेरिया, रोमानिया आदि। नाटो, नाटो एक सैनिक संगठन है। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया जो कि 1949 अप्रैल में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको इंग्लिश में नाटो, की स्थापना हुई थी, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने एक उद्देश्य रखा था कि जब भी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। उद्देश्य अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना भी था। वारसा संधि, सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि कहते हैं और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों को यूरोप में मुकाबला करना था। अब जो महाशक्ति के लिए छोटे देश कैसे महत्वपूर्ण हुए, तो यहाँ दिया गया है छोटे देश महत्वपूर्ण संसाधन के लिए, जैसे तेल, खनिज के लिए भी। दूसरा है भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने
हथियारों और सेना का संचालन कर सके। तीसरा है अपना सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ अपनी जासूसी कर सके। चौथा है आर्थिक मदद मिल सके, जैसे सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते हैं। और पांचवा है विचारधारा, गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्ति विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही है। और छठा है गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और सामने कहीं बेहतर है। उसके बाद है शीत युद्ध का परिणाम। शीत युद्ध का परिणाम देखा गया है कि गुट निरपेक्ष देश का जन्म हुआ। अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरा विश्व युद्ध टल गया। तीसरा में अनेक संगठन की संधियां हुई। चौथा है दोनों महाशक्ति के बीच परमाणु जखीरे और हथियारे की होड़ होने लगी और दो ध्रुवीय विश्व का जन्म हुआ। तो यहाँ दिया गया है सैन्य संधि संगठन। तो अमेरिका द्वारा तीन सैन्य संधि संगठन हुआ था, जिसको नाटो, शीटो, सेंटो के नाम से जानते हैं। और सोवियत संघ के द्वारा एक हुआ था, जिसको कहते हैं वारसा पैक्ट के द्वारा कहते हैं। दोनों महाशक्तियों द्वारा परमाणु जखीरे एवं हथियारों की होड़ को कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए थे। ये कदम का नाम परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि और तीसरा है परमाणु प्रक्षेपात परिसीमन संधि। और सीटो सेंटो के बारे में ये कहा जाता है, अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इसी गठबंधन को सीटो सेंटो कहा जाता है। सीटो का अर्थ होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो का अर्थ होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद सोवियत संघ ने चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किए। अब है सबसे महत्वपूर्ण गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का अर्थ है सभी गुटों से अपने को अलग रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंस है, ये हमेशा हर साल परीक्षा में आती है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया, जो दो ध्रुवीयता में बट रहे देशों में अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तीय गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने को अलग थलग नहीं रखना था, अपितु इन्हें सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से सरोकार था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? सन 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राजो टीटो और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के बामा एनक्रुटे ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म किया। और प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और इसमें 25 देश शामिल थे, लेकिन 14वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 2006 क्यूबा हवाना में, और जिसमें कि 166 सदस्य और 15 पर्यवेक्षक शामिल थे। तो कहा जाता है शस्त्र नियंत्रण संधियां, शस्त्र नियंत्रण संधियां के लिए तीन संधियां हुई थी, इसको कहते हैं LTBT, साल्ट और स्टार्ट, जो कि और NPT ये। और कहा जाता है 5 परमाणु संपन्न देश ही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, अन्य देशों को ये नहीं दिया गया है। और अंत में ये कहा गया है कि शीत युद्ध का अंत सन 1989 में विश्व इतिहास में चमत्कारी मोड़ लाया। शीत युद्ध के मूल कारणों की समाप्ति हो गई, बर्लिन का दीवार का पतन हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, वारसा पैक्ट भंग कर दिया गया और दोनों महाशक्तियों के बीच सहयोग के मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ। धन्यवाद।